आदानी पावर रो आवेदन को नै हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस करिसेंती सुप्रीम कोर्ट 280 कोटी टंका फेरस्त करबा को देइसेंती निर्देश। किन्नौर रे दुईटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को नै जमा होइथिबा आगुआ प्रीमियम फेरस्त को नै ए निर्देश देइसेंती सुप्रीम कोर्ट। 2005 मसीह रे हिमाचल प्रदेश रो सरकार दुईटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पई टेंडर आह्वान करथिले। से समय रे सर्वाधिक बिडिंग भरीथिला ब्रेकल्प कॉर्पोरेशन एनभी। एहाकु आधार करी हिमाचल प्रदेश सरकार ब्रेकल को 980 मेगावाटर जिंक थोपन एवं थोपन पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्टर ठिका मिलिथिला, किंतु ब्रेकल सठिक समय रे पेमेंट करि पार नथिला। प्री इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट एवं हिमाचल प्रदेश रो हाइड्रो पावर नियम रो पालन मुताबक आदानी पावर ब्रेकल रो 280 कोटी टंका निवेश करथिला, जेउथरे ब्रेकल को अपफ्रंट प्रीमियम एवं अन्यान्य पेमेंट रे 50% परिशोध करिवार थिला, जहाँकि पाखापाखि 170 कोटी थिला। मात्र एही प्रयास परे हिमाचल प्रदेश रो कैबिनेट पक्षरु ब्रेकल को कारण दर्शा नोटिस जारी करा जायथिला, जेउथरे प्रश्न करा जायथिला कि तथ्य को लुचा जायथिबारु काहीकि कंपनी को आवंटित होइतिबा ठिका रद्द करा जीव नाही। या परे मामलार जांच पई एक उच्चस्तरीय कमिटी रो गठन होइतिला। जांच परे कमिटी पक्षरु कोया जायथिला जे ब्रेकल एवं तार कंसोर्टियम पार्टनर को द्वारा गुरुत्वपूर्ण सूचना लुचाइबा नै होइतिबा अभिजोग रो प्रमाण नाही, सेतिमे ब्रेकल को आवंटित होइतिबा ठिका काम रद्द करिबा कष्टकर। 2015 मसिहारे ब्रेकेल द्वारा जमा करा जाइथिबा अपफ्रंट प्रीमियम को फेरस्त करबाकु राज्य सरकार निष्पत्ति नैथिले, किंतु परे सरकार निज निष्पत्ति को बदलाइ देथिले एवं केबे भी एही टंका फेरस्त करनथिले, जहाकु नै आदानी पावर पक्षरु 2019 मसिहारे हिमाचल प्रदेश रो हाईकोर्ट रे केस करा जाइथिला। कोर्ट को जणिकिया खंडपीठ एही अर्थ फेरस्त आवेदन को ग्रहण करथिले, जहाँ विरोध रे हिमाचल प्रदेश सरकार हाईकोर्ट को एक डिविजन बेंच रे आवेदन करथिले। सेतबेले हाईकोर्ट निजर राय रे कहिथिले जे आदानी पावर एवं ब्रेकल मध्यरे चुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार को बिना सहमति रे होइथिला, एथिपई हिमाचल प्रदेश सरकार को हाइड्रो पावर नीति एवं ठिका शर्तर उल्लंघन होइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।